बुधवार को राज्यसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से जैसे ही नामों की घोषणा की गई, तो कपिल सिब्बल के नाम ने सभी को चौंका दिया। सभी सोचने लगे कि कपिल सिब्बल ने कांग्रेस से इस्तीफा तो नहीं दिया, फिर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार कैसे बन गए। इस बीच खबर आई कि कपिल सिब्बल आज ही सपा के टिकट पर अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। सस्पेंस अब भी बरकरार था और फिर उन्होंने राज्यसभा के लिए सपा के टिकट पर अपनी उम्मीदवारी का दावा पेश कर दिया। उनके नामांकन के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके बाद कपिल सिब्बल मीडिया से मुखातिब हुए और खुलासा किया कि उन्होंने 16 मई को ही कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। सिब्बल ने बताया कि उन्होंने 16 मई को ही कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया था। इसके बाद उन्होंने साफ किया कि उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा में नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस छोड़ने को लेकर सिब्बल ने कहा कि मैं कांग्रेस का नेता था, लेकिन अब नहीं हूँ। मैंने 16 मई को ही कांग्रेस इस्तीफा दे दिया था। कपिल सिब्बल को कांग्रेस छोड़ने का दर्द भी है। उन्होंने कहा कि आसान नहीं है 30-31 साल के रिश्ते को छोड़ना। आइए सुनते हैं कांग्रेस छोड़ने के बाद क्या कुछ बोले कपिल सिब्बल। इतिहास में कमी लोग इंडिपेंडेंट बनकर सदन में आते हैं, खासतौर पर राज्यसभा में। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा मौका मुझे मिला है और ये अखिलेश जी, शिवपाल जी, आजम खान साहब ने मुझे दिया है और मैं एक इंडिपेंडेंट आवाज़ सदन में उठाना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है कि जब तक मैं कांग्रेस में था तो मैं इधर उधर की टिप्पणी कर सकता था। अब मैं कांग्रेस में नहीं हूँ, ठीक है ना, तो मैं कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। आप सीनियर कांग्रेस लीडर रहे, मतलब हमने मैंने बोला ना, जब तक मैं कांग्रेस में था तो मैं टिप्पणी कर सकता था, ठीक है ना। हम G23 में भी रहे, अब मैं कांग्रेस के बाहर हूँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। मैं नहीं समझता कि उचित है कि मैं कांग्रेस के बारे में कुछ कहूँ। कुछ अफसोस कहीं सर है? मैंने बोला ना, मैंने कुछ देखिए, किसी के साथ संबंध रहे 30-31 साल, ठीक है ना, तो संबंध छोड़ना कोई आसान काम नहीं होता, इतना ही काफी। कांग्रेस छोड़ने से पहले कपिल सिब्बल ने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी। इस मीटिंग को लेकर कपिल सिब्बल ने कहा कि ये एक निजी मुलाकात थी और उनका व्यवहार मेरे प्रति काफी अच्छा था। बीते साल अगस्त से ही कांग्रेस से कपिल सिब्बल के तनाव बढ़ने लगे थे। इस पर सिब्बल ने कहा कि मुझे जो भी महसूस हुआ वो मैंने कह दिया, अब मैं कांग्रेस से बाहर हूँ और उसके आंतरिक मामलों पर कुछ नहीं कहूँगा। इतना ही नहीं, G23 के भविष्य को लेकर भी उन्होंने कहा कि मैं अब इससे बाहर हूँ और मेरी तरफ से ये चैप्टर अब खत्म हो गया है। गौरतलब है कि कपिल सिब्बल ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की पैरवी भी सुप्रीम कोर्ट में की थी। माना जा रहा है कि आजम खान के लिए कानूनी जंग लड़ने के इनाम के तौर पर ही समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपने समर्थन से राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।